अध्याय दो देख रहे हैं, वन्य और वन्य जीवन संसाधन, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे आज। और ये रिसोर्सेस ये कितने इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्या इनकी सिचुएशन है। छोटे से छोटे लेकर, चाहे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, सूक्ष्म जीवाणुओं की बात करें और बैक्टीरिया, इससे लेकर बड़े बड़े जीवधारी जैसे हाथी, ब्लू व्हेल, ये आप धरा पे देखेंगे। इसका मतलब हमारा जो हमारी जो धरा है या हमारा जो क्षेत्र है वो जैव विविधता से भरा हुआ है। जैव विविधता मतलब होता है बायोडाइवर्सिटी, बायो जिसमें बायो में आप सारी चीजें ले जाते हैं, जीवाणु भी ले आइए, आप पेड़ पौधे भी ले आइए, और विविधता मतलब होता है ये अलग अलग प्रकार के हैं लेकिन ये आपस में मिलकर, हिंदू ये हम लोग भी, मानव भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, हम भी हैं इसमें, तो ये सब मिलकर एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। आपस में सब इंटर रिलेटेड है, सब एक दूसरे के अस्तित्व के हिसाब से जीते हैं, रहते हैं और लिंक्ड है। जैसे अगर हम अपनी बात करें, सांस लेते हैं हम, वायु से मिलती है हमें सांस, पानी हम कहां से पीते हैं, नदियों से, तालाबों से, बाकी जगह से, मृदा, मृदा से अनाज पैदा होता है, अनाज के बगैर हम जीवित नहीं रह सकते। तो ये जो पौधे हैं, पशु और जो सूक्ष्म जीवी है, ये क्या करते हैं, ये इन सब चीजों का पुनः सृजन करते हैं। मिट्टी कौन बनाता है, मिट्टी हमने देखा वेदरिंग से बनती है, सॉइल इरोजन से बनती है, और पौधे पशु सूक्ष्म जीवी का जब देहांत हो जाता है तो भी वो मिट्टी में तब्दील हो जाते हैं। हम पूरी तरीके से, हम और बाकी जितने भी हैं, चाहे आप वनस्पति जगत ले या प्राणी जगत है, वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे पर निर्भर है और यहीं से अपना खाना पीना भोजन लेते हैं। तो भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात, वनस्पति जात का मतलब होता है फ्लोरा, ये फ्लावर से आप याद रख सकते हैं, प्राणी जात यानी फौना। तो जहां पर हम पेड़ पौधों और लताओं की बात करेंगे वो वनस्पति जगत होगा या वनस्पति जात होगा, और प्राणी जात का मतलब है जहां पर हम जानवरों की बात करेंगे या कहें कि बर्ड्स की बात करेंगे, पक्षियों की बात करेंगे। तो ऐसे कई आप प्राणी देखेंगे जो आपको एक ही जगह पे मिलते हैं। भारत अगर इसमें देखा जाए तो जैव विविधता के क्षेत्र में बहुत समृद्ध देश है, उनमें से एक है ये। हमारे पास बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। पूरे विश्व का अगर अंदाजा लगाया जाए तो 8% संख्या जैव उपजातियों की, जो भी जीवित है, जो भी सांस ले सकते हैं, वो 8% संख्या हमारे पास है। करीबन 16 लाख हमारे पास प्रजातियां हैं, उपजातियां हैं, लेकिन इनका उपयोग करना, या ये आप ये कहें कि इनको सही तरीके से, विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना, क्योंकि हमारी संवेदना होनी चाहिए पर्यावरण के प्रति। अगर हम नहीं रखेंगे तो जो संसाधन पे दबाव पड़ा है वो हम देख रहे हैं, आज क्या सिचुएशन हो गई है। हमारे देश में लगभग 81,000 वन्य जीवन उपजातियां हैं और 47,000 वनस्पतियों की उपजातियां हैं। मतलब 81% आप कहें कि फ्लोरा हो गया, फौना हो गया, और 47% आपका फ्लोरा हो गया। और इस वनस्पति, जो मैं फ्लोरा की बात कर रहा हूं, वनस्पति उपजातियों में लगभग 15,000 उपजातियां ऐसी है जो हमारी देशज है, स्थानीय है, हिंदुस्तान में ही मिलती है, हिंदुस्तान में ही मिलती है। मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा ये कि अगर 100 नंबर ले लें हम पूरे विश्व का, तो 8 इनमें से 8 हिंदुस्तान के पास है जैव उपजातियां। जैव उपजातियां हमारी इतनी हैं जो करीबन 16 लाख बनती हैं। 16 लाख ऐसी 81,000 वन्य जीवन उपजातियां हैं, 47,000 करीब हमारी वनस्पति उपजातियां हैं, जिसमें से जो 15,000 है वो तो देशज है, भारतीय मूल की है, मतलब हमारे यहाँ की एंडेमिक है, स्थानीय है। लेकिन अनुमान जो लगाया जा रहा है उस हिसाब से 10% जो वन्य वनस्पति जात है, यानी कि जो हम फ्लोरा की बात कर रहे हैं, और 20% जो स्तनधारी है, मैमल्स जिसे हम कहते हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, इनके खत्म होने का खतरा है आगे चल के, यानी कि बड़ी नाजुक अवस्था में है। अगर हम चीता लें, चीता
गुलाबी सर वाली बतख, पहाड़ी कोयल क्वैल और जंगली चित्तेदार उल्लू, ये इसके अलावा महुआ, महुआ इसके अलावा आपके घास की एक प्रजाति है जिसको हम कहते हैं होबरड़िया हेप्टा न्यूरोन, ये सारे जिन जो मैंने नाम लिए ना, ये खत्म या तो खत्म हो चुके हों या फिर खत्म होने के कगार पे है। चीता तो वास्तव में हिंदुस्तान से खत्म हो गया है 1952 में ही। तो ये जो सब जो चीजें खत्म हो रही है ना, ये हम एक प्रजाति का नाम ना लें, हम बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता को खत्म कर रहे हैं। और हमने तो बड़े बड़े जानवरों की बात कर ली, उनका क्या? जैसे जो छोटे छोटे कीट है, छोटे छोटे पौधे हैं, उनका क्या? भारत में जो बड़े प्राणी हैं उनमें से स्तनधारी जो होते हैं, जैसे गाय, बैल, हाथी, ये मैमल्स की प्रजातियां होती है, इसकी हमारी 79 जातियां हैं स्तनधारियों की। पक्षियों की 44 जातियां हैं। जो सरीसृप होते हैं, रेप्टाइल होते हैं जैसे सांप वगैरह, वो करीबन 15 हमारे पास जातियां हैं। और जो जल स्थलचर है यानी एम्फीबियंस, जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, उसकी 3 जातियां ऐसी हैं जो विलुप्त होने का जिनका खतरा है। पौधों की बात करूं मैं तो 1500 करीबन पादप प्रजातियां ऐसी हैं जो जिनका खत्म होने का खतरा है। आप देखें कि क्या सिचुएशन है। जो हम वन, क्योंकि देखिए वन होगा तो वन वन में ही तो ये प्रजातियां आ पाएंगी, मतलब इनके रहने की जगह तो वही है, वन ही है। तो जिस पैमाने पर हम इसको काट रहे हैं, बड़ी विचलित अवस्था है। देश का जो वन आवरण है यानी कि जो फॉरेस्ट कवर है, पूरे देश में जितने वन है उसका अनुमानित अगर क्षेत्रफल देखें तो करीबन 79% मतलब 79 मिलियन हेक्टेयर, 78.92 मिलियन हेक्टेयर है। अगर पूरे क्षेत्र का एरिया निकाला जाए तो 24% हिस्सा है, जबकि कम से कम ये कितना होना चाहिए, 33 के ऊपर। इसमें 12.24 जो है सघन वन है, बहुत डेंस फॉरेस्ट है। खुला हुआ वन यानी कि थोड़े से स्पार्स फैले हुए जिसमें पेड़ होते हैं, वो 8.99% करीब है। और मैंग्रोव वन जो है, जो समुद्र के आसपास मिलते हैं, वो 0.14% है। तो ये जो हम कर रहे हैं, यहां पर थोड़ी सी हल्की सी वृद्धि देखी गई 1997 में, 10,098 की वृद्धि हुई, लेकिन फिर भी ये 33% से बहुत दूर है। 33% से ऊपर ही फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो अब हम ये देखना चाहेंगे कि जो पौधे हैं और जो प्राणियां हैं, फ्लोरा और फौना है, उसकी जातियों के बारे में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसके लिए क्या किया, IUCN है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, IUCN, इन्होंने क्या किया कि अलग अलग इनको जो प्राणी है और जो पौधे हैं इनको डिवाइड किया, क्लासिफाई किया। तो इन्होंने कहा कि जो सामान्य जातियां हैं, वो सामान्य जातियां जैसे आप घर से बाहर निकले तो आपको गाय दिख जाएगी, बैल दिख जाएगा, साल, चीड़, कृंतक, रोडेंट्स यानी चूहे वगैरह दिख जाएंगे, तो ये पेड़ पौधे और साथ में जो जंतु है ये आपको आमतौर पर दिखेंगे, इसे हम सामान्य जातियां कहते हैं। इसी तरीके से कुछ है संकटग्रस्त जातियां, ये वो जातियां हैं जिनका खत्म होने के पूरे चांसेस हैं, यानी कि लुप्त होने का खतरा है। एक तो जो जिस कंडीशंस में ये रह रहे हैं, परिस्थितियां जो है जिसमें ये रह रहे हैं वो इनके विपरीत हो रही है, यानी जैसे इनको खाने के लिए नहीं मिल रहा या इनको जगह नहीं मिल रही रहने के लिए। काला हिरण हो गया, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर, संगाई जिसे हम मणिपुरी हिरण कहते हैं, ये सब संकटग्रस्त जातियों में आते हैं। ये सब संकटग्रस्त, ये आप देख पा रहे हैं यहां पर, ये इसमें आप शेर हो गया, गधा, गैंडा, पूछ, शेर पूछ वाला बंदर, शेर पूछ वाला बंदर ये इस तरीके से होता है, और मणिपुरी हिरण, ये सब खत्म होने की कगार पे है, संकटग्रस्त जातियां हैं। इसको मैं कहूंगा संकटग्रस्त। एक तो सबसे पहला क्या हो गया आपका, सामान्य जातियां, फिर संकटग्रस्त जातियां, उसके बाद आता है सुभेद्य वल्नरेबल जातियां। आप देखें जैसे टॉर्टोइज होता है, जब टॉर्टोइज मूव करता है बहुत धीरे मूव करता है, उसको कोई भी पकड़ सकता है, तो ये वल्नरेबल जातियां हो गई। ये वो जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है, मतलब संख्या है लेकिन वो घट रही है। लेकिन अगेन इनकी जो परिस्थितियां जिसमें ये रह रहे हैं, अगर हमने इसको चेंज नहीं किया, बदला नहीं, तो इनकी संख्या घट जाएगी। जिसमें कौन कौन से हैं, आपकी नीली भेड़, एशियाई हाथी, नीली भेड़,
एशियाई हाथी, गंगा नदी की डॉल्फिन, ये सब वल्नरेबल जातियां हैं। इसके बाद आता है दुर्लभ जातियां। दुर्लभ जातियां कौन सी होती है? ये बहुत कम है, संख्या बहुत कम है, या ये वल्नरेबल है। ये दुर्लभ जातियां या तो बहुत कम है या वल्नरेबल है। अगर फिर से अगर हमने कहा कि अगर इसकी इनकी जो परिस्थितियां हैं अगर हमने चेंज नहीं किया, परिवर्तित हो गई, तो ये किस श्रेणी में आ जाएंगी? ये इस श्रेणी में आ जाएंगे, संकटग्रस्त जातियों में। ये दुर्लभ के बाद जो हमने दुर्लभ जातियों की जो बात की। एक होती है स्थानिक जातियां। स्थानिक जातियां ये क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मिलती है। जैसे अंडमानी टील, अंडमान जाएंगे तो वहां टील दिखाई देगा आपको, निकोबारी कबूतर है, अंडमान के जंगली सुअर है, और अरुणाचल के जो मिथुन है, ये सारे आपको केवल स्थानिक जातियां वहीं मिलेंगे और आपको कहीं नहीं मिलेंगे। लुप्त जातियों की बात करें कि जो खत्म हो चुकी हैं, जैसे हमने कहा कि एशियाई चीता, ये गुलाबी सिर वाली बतख है, तो खत्म हो चुकी है, लुप्त जातियां हैं ये। एशियाई चीता की मैं जरूर बात करना चाहूंगा कि ये भूमि पे, क्योंकि ये कहां चला गया, 1952 में तो हिंदुस्तान से ही खत्म हो गया है। ये भूमि पे दौड़ने वाला तेज स्तनधारी, ये बिल्ली परिवार से आता है, और आता था बल्कि कहें 112 किलोमीटर प्रति घंटा तक ये इसकी स्पीड थी, दौड़ सकता था ये। और हमें तेंदुए और इसमें बड़ा भ्रम रहता है, तो ये चीता जो होता है ना, इसकी आंखों में देखिए इस तरीके से लकीर बनी हुई, इससे हम पता लगाते हैं कि ये चीता है। और 20वीं शताब्दी में जो ये चीते हैं वो अफ्रीका और एशिया, इसमें बहुत बहुत बहुतायत में दिखते थे, लेकिन जहां ये रहते थे उनके उनका एरिया पब्लिक ने ले लिया, लोगों ने ले लिया, और जो ये शिकार करते थे वो खत्म होने लगे, तो इसीलिए ये एकदम एक्सटिंक्ट हो गए, खत्म हो गए। जैसे मैंने बताया 1952 में तो हिंदुस्तान से खत्म हो गए। एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां कुछ चीजें दिखाई गई हैं, ये सारी जो है जो लुप्त है या दुर्लभ है या संकटग्रस्त जातियां। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, निकोबारी मेगापॉड, या ये देखिए चढ़ाई से बनाई जाती थी, या ये देखिए इसे हम कहते हैं औषधीय लता है ये, एम्बेलिका राइबीज, ये सब या तो लुप्त है या दुर्लभ है या संकटग्रस्त जातियां हैं। तो जैसे हम आसपास देखें, नजर आप दौड़ाएं, तो हमने जो प्रकृति में जो संसाधन मिलते हैं उनको चेंज किया, परिवर्तित किया, जैसे लकड़ी, छाल, पत्ते, रबड़, दवाइयां, इनको देखिए, भोजन, ईंधन, चारा, ये सब कहां कहीं ना कहीं से या हमें वन से प्राप्त होता है या वन्य जीवन से मिलता है। तो हमने चाहे या ना चाहे हमने वन और वन्य जीवन को नुकसान पहुंचाया। और भारत में जो शुरुआत हुई वो हुई उपनिवेश काल से, जब कॉलोनी हम लोग बने अंग्रेजों की खास तौर पे, तो रेल लाइन बिछाई गई, कृषि बहुत बढ़ी, व्यवसाय के कारण जमीन ली गई, और जो वाणिज्यिक वानिकी है, यानी कि वो वन लगाना या वो पेड़ लगाने जिसका मार्केट वैल्यू है, जिससे पैसा आने वाला है अच्छा खासा, और माइनिंग, खनन क्रिया, इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। तो क्योंकि ये सब चीजें चाहिए तो वनों को ही तो काटेंगे। एक सर्वेक्षण के अनुसार 30 साल में 1951 से 1980 के बीच में 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है वो किस में चेंज कर दिया गया, कृषि भूमि में, एग्रीकल्चर लैंड में चेंज कर दिया गया। और एक और देखिए, जनजाति जिस क्षेत्र में जाएंगे तो वहां झूम खेती होती है, मतलब एक जगह को पहले जला दिया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, उसके बाद आके वहां पर खेती की जाती है, जिसे स्लैश और बर्न कहते हैं। तो ये जो स्लैश और बर्न है, ये भी मतलब बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं कि केवल उपनिवेश, और ये बहुत सारे कारण एक साथ बने जिसके कारण हमारा क्षेत्र, वन क्षेत्र बहुत कम हो गया, और जिससे बहुत बड़ा नुकसान हम झेल रहे हैं। जितनी भी परियोजनाएं हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हुए, खासतौर पर आजादी के बाद 1952 में जो नदी घाटी परियोजना हुई, उससे 5,000 किलोमीटर का जो एरिया है वन का, जिसमें फॉरेस्ट लगे थे, उसको साफ किया गया। अभी भी ये प्रक्रिया जारी है। एक मैं एग्जांपल लूं तो नर्मदा जो सागर परियोजना है, नर्मदा डैम जो परियोजना है, उसमें 4,00,000 हेक्टेयर का एरिया, जगह जो वन क्षेत्र था, वो पानी के अंदर समा गया। इसके अलावा जो खनन हो रहा है, हम जो खुदाई कर रहे हैं चीजों को निकालने के लिए, संसाधनों को निकालने के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी भूमिका इसमें निभाता है। फिर जो बक्सा टाइगर रिजर्व है पश्चिम बंगाल में,
डोलोमाइट का खनन हो रहा है वहां पर, उसके कारण भी बहुत सारे खतरे हम देख रहे हैं। बहुत सारे जानवर, हाथी वगैरह, उनका हमने आने जाने का रास्ता है जो रोक दिया है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे जो वन अधिकारी और जो पर्यावरण वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि ये जो लोग हैं, जनजाति लोग हैं, ये जो आसपास रहते हैं वन के आसपास, वो लकड़ियों की कटाई करते हैं, पशु चराते हैं बहुत ज़्यादा, लकड़ियाँ लेते हैं ईंधन के लिए, उनके कारण नुकसान हो रहा है। ये एक बात तो है, लेकिन इस पे सोचने की बात ये है कि वो मुख्यतः पेड़ों की टहनियाँ लेके जाते हैं, पूरा पेड़ तो नहीं काटते। तो उसके कारण क्या है कि और भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व है जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र, देश का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको परिवर्तित कर रहा है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ये जो जगह है जिनकी हम बात कर रहे हैं, वहां से हम वन पदार्थ ले रहे हैं, खनिज ले रहे हैं, संसाधन ले रहे हैं। और जैसे जो आज हमारी अर्थव्यवस्था चेंज हो रही है, खासतौर पर औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था, उसकी मांग कहां से पूरी होगी, यहीं से पूरी होगी। तो इसका आरक्षण और इसका विवेकपूर्ण प्रयोग बहुत जरूरी हो जाता है। एक आपको बताऊं, मैं पहले चित्र दिखा दूं, ये शांत घाटी में मुखली नर्सरी में ये आदिवासी युवतियां हैं, बांस के पौधे लगा रही। यहां पर कुछ आदिवासी महिला हैं जो जंगल से उन्होंने उत्पाद पाया है उसको बेच रही। यहां पर ये सूखी पत्तियां लेकर आदिवासी महिलाएं जा रही। एक और हिमालय यव, इसको यव कहते हैं, ये संकट में है। ये भी, ये सारे काम जो हम कर रहे हैं उसके कारण ये बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है। तो ये हमने इसका पहला पार्ट लिया। ये इसमें केवल आपको ये समझना है कि जो नुकसान हो रहा है उसको पूर्ति करनी है, इस हिसाब से आपको उत्तर देने हैं, इस हिसाब से आपको सोचना है। बाकी नंबर्स तो मैंने आपको बता ही दिए कि क्या नंबर है और क्या क्या कारण से ये हो रहा है। तो अगला हम चर्चा अभी करेंगे, जो दूसरा भाग है इसका। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।